इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। पहला, बिजनेस एनवायरनमेंट हैज ट्रिमेंडस इंपैक्ट ऑन। बिजनेस बिजनेस थैंक्स गॉड, यहाँ पे बुक भी नहीं दिमाग लगाया। हाँ आगे, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड इन। 1991 चेंजेस इन रूलिंग गवर्नमेंट इज एन एस्पेक्ट ऑफ डैश एनवायरनमेंट। बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी है तो क्या फर्क पड़ता है, पॉलिटिक्स क्या टेक्नोलॉजी। पॉलिटिकल लिटरेसी लेवल इज एन एस्पेक्ट ऑफ डैश सोशल, लीगल, पॉलिटिकल। सोशल लीगल कंपनीज एक्ट 2013, पॉलिटिकल बीजेपी कांग्रेस, सोशल रहेगा ना ये, या तो डेमोग्राफिक होना चाहिए एक्चुअली। प्राइवेटाइजेशन इंप्लाइज रिडक्शन इन द रोल ऑफ, कौन सा सेक्टर का रोल कम करना रहता है। फॉरेन, फॉरेन का तो संबंध ही नहीं, कौन सा सेक्टर का रोल कम करना रहता है, पब्लिक का ना, पब्लिक से प्राइवेट में शिफ्ट होता है। ग्लोबलाइजेशन इज कंसर्न विद डैश मार्केट। ग्लोबल डैश मींस लिंकिंग नेशनल इकोनॉमी टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन नेक्स्ट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोवाइड्स डैश सिग्नल, वार्निंग सिग्नल देता है वो। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन को क्या बोलेंगे, बॉर्डरलेस इकोनॉमिक्स, प्राइवेटाइजेशन अभी आंसर नहीं दूंगा, बोलो। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट अबॉलिशिंग लाइसेंस पॉलिसी। ठीक है, एबॉलिशिंग वो भी स्वीकारा। नेक्स्ट, न्यू एनईपी जिसको बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कब आया था। 1991 श्वेता तेरी याददाश्त चली गई है। ठीक नहीं सर, 1991 बोला। है, याददाश्त से बोला, बुक से बोला, लॉजिक लगाया। सोशल वैल्यू, चलो नेक्स्ट, इंटरनल एनवायरनमेंट, हाई कॉस्ट, आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी।
लीगल एनवायरनमेंट, टैक्सेशन पॉलिसी, बोलो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, पैसा रहा तो फिर तुम टेक्नोलॉजी ला सकते हो। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, दूसरा कस्टम, सोशल एनवायरनमेंट, तीसरा प्राइवेटाइजेशन, चौथा ग्लोबलाइजेशन, गुड्स वर्ल्ड में तो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। External factors of business environment are controllable factors. False. Next, Sweta bol. Business is a product of different environmental factors. True. Next, Jill bol. Next is true. Next, Sweta. False. Next. True. Next. False. Last card. True. No need for consideration. Consideration तो करना पड़ेगा ना. Need नहीं है. No need है. False. There is हाँ. False. चलो. The term of business environment generally refers to dash. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नॉर्मली माना जाता है, हालांकि इंटरनल भी रहता है। डैश हेल्प्स द बिजनेस एंटरप्राइज ओवरकमिंग चैलेंजेस सक्सेसफुली। क्या चीज है सोशल एनवायरनमेंट? इसका आंसर बहुत सारे हो सकते थे एक्चुअली। ज्योग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन डैश एनवायरनमेंट। Natural environment. Natural. Literacy is the important part of dash environment. Social. Social. Yeah, demographic भी बोल सकते हैं, ठीक है? Stability or peace, कौन सा is कौन लाता ही है? Political environment. Political बहुत बड़ा. Political. Indian political system comprises dash vital institution. Many या various या three, क्या बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, डेमोक्रेट क्या बोलेंगे फिर, पार्लियामेंट होना चाहिए और चीफ मिनिस्टर स्टेट, स्टेट का भी अलग रहता है इसमें, तो इसमें भी बहुत सारे आंसर बनते हैं एक्चुअली। तो नेक्स्ट, लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर रेफर्स टू Privatization. Integration of economy and society through cross country is called as Globalization. Select the option from the bracket. You know how many types of environmental factors can be classified? Basic level pe kitne factors hai? Ek internal aur ek एक्सटर्नल, कितना हुआ? External. दो हुआ ना। विच फैक्टर्स ऑफ बिजनेस रिगार्ड्स एज कंट्रोलेबल? एक हद तक थोड़ा बहुत तुम कंट्रोल कौन सा कर सकते हो, इंटरनल के एक्सटर्नल? इंटरनल।
within control internal. Who frames the economic policy of business? Government. Which economic system is known as the free market economy? Capitalist. Yeah, socialist. Free market to socialist nahi hai, capitalist. Usko main correct kar deta hu. External factors of business environment are controllable. True or false? And rewrite the sentence. Internal factors of business environment are controllable. Shweta, second bull. External factor. External factors. Jill, third bull. Natural environment. Or Shweta, last bull. Globalization. Which factors are included in till management? Tumhare human resource director ye sab aayenge. Legislature ka kya parliament matlab budgets kaide. Economic condition of nation mein finance kitna hai, balance of payment kya hai, output kitna hai, per capita income kitna hai, national income. Who possesses the factors of production? Government, economy, individuals. In which enterprise are methods and techniques? Technological environment. When did India government launch new economic policy? 24 July 1991. Okay. What is useful to reduce political interference? Alag-alag business organization ke liye policies banaye jaye. Boundaryless world matlab globalization, integration of India economy with the world economy. Ab ye banana padega. Chalo. The court passes an order to ban polythene bags as the bags are creating many environmental problems which affect the life of people and marine life in general. Kyunki wo milta nahi hai pani mein, gulta nahi hai pani mein. Society in general is more concerned about quality of life. The government decided to give subsidy to jute industry to promote the business. Identify the different dimensions of business environment. Bada ajeeb lala hai. Court matlab kaun sa? The type of environment कौन सा? Political नहीं, court है. Court decide करता है ये. B comment on it. B में comment क्या करेंगे? The jute industry requires government support for survival and growth. Therefore, the government's support in the initial stages helps it to survive. इसमें बहुत सारा राइटअप लिख सकते हैं. Just after declaration of Lok Sabha result, the Bombay Stock Exchange rose up 100 points in a day. Identify the environment which led to the rise giving reason. Election मतलब कौन सा? Political environment. समझ में आया? नहीं नहीं. The environment was political environment and Bombay Stock Exchange implies economic environment. ठीक है ना? क्या होता है? The moment BJP आया तो उसका फर्क पड़ा, तो यहाँ पे political environment और economic environment दोनों आ जाएगा. ठीक है? Explain any two dimension of the environment. Other dimension पूछा है, कौन सा दो other? The other legal environment, technological environment. Hmm.
नेक्स्ट एंकर कंपनी मैन्युफैक्चर लाइट ट्यूब्स इंक्रीज इंक्लूड डिस्कवर्ड टेक्नोलॉजी, साफ पता चलता है कौन सा एनवायरमेंट है। टेक्नोलॉजिकल द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट क्या था, अपने नोट्स में था, एक एक करके पॉइंट रीड करो। इंक्रीज ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इनके बुक से, इनका ही राइटअप से अपन निकाल लेते हैं, बहुत सारे लेकिन इनके राइटअप से ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी डाल देते हैं। तुम लोग लिस्ट डाल सकते हो, कौन सा डायमेंशन है। मेक इन इंडिया इज इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्किल एंड डेवलपमेंट, ब्रोशर्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इंपैक्ट, कौन सा एनवायरनमेंट है। कौन लाया स्किल डेवलपमेंट। हाँ आई थिंक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगा इसमें, क्योंकि पॉलिटिक्स वालों ने लाया ना ये सब, जॉब क्रिएशन। नेक्स्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इंप्लाइज मैन्युफैक्चरिंग रैदर देन इम्पोर्टिंग, दिस रिड्यूसेस रिड्यूसेस फॉरेन डिपेंडेंस डिपेंडेंस एंड ऑल्सो सेव्स फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना। इसमें तो कम से कम 40-50 पेज लिख सकते हैं। मेक इन इंडिया से तुम मैन्युफैक्चर करते हो इम्पोर्ट करने के बजाय, बाहर के देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, प्लस फॉरेन एक्सचेंज बचता है, इम्पोर्ट करने पर पे करने की जरूरत नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे इसलिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सीरियसली थिंकिंग टू अलाउ ऑयल मार्केटिंग अंडर पब्लिक सेक्टर बाय फिक्सिंग देयर ओन प्राइस फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। बाय द वे प्राइस हो चुका है। द इकोनॉमिक रिफॉर्म इज प्राइवेटाइजेशन, दिस डिसीजन इज प्राइवेटाइजेशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में दो रिफॉर्म्स कौन से हैं? लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन बोल एलपीजी में प्राइवेटाइजेशन, वैसे वो भी चलेगा लेकिन फिलहाल प्राइवेटाइजेशन पर बहुत जोर चल रहा है। ओके सर। हो गया तब का यहां तक। यस सर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।